आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजवानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और हमारी खास पेशकश नगर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में इस वक्त निकाय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है, क्योंकि निकाय चुनाव की जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से जो तमाम राजनीतिक दल है वो अपनी दावेदारी ठोकते हुए और जनता के बीच पहुंचकर उनका समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही इस दौरान नगर पंचायत गोसाईगंज लखनऊ से भाजपा प्रत्याशी निखिल मिश्रा इस बार भाजपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वही वो चेयरमैन पद के भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और जनता के बीच उनकी बेहतरीन छवि ने ही उन्हें 2017 के निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें विजयी बनाया। नगर पंचायत गोसाईगंज के वो वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, लेकिन 2023 के चुनाव में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर वो जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता का समर्थन भी मांगते हुए दिखाई देते हैं। तो निर्दलीय चुनाव जीतकर गोसाईगंज में इतिहास रचने वाले निखिल मिश्रा से अब हम खास बातचीत करेंगे कि इस निकाय चुनाव में उनकी रणनीति क्या है, किस रणनीति के तहत वो इस बार जनता के बीच उनका समर्थन मांगने पहुंच रहा है। तो नगर पंचायत गोसाईगंज से भाजपा के जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं निखिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका प्राइम टीवी पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। निखिल जी, जब हम आपके वार्ड में पहुंचे, हम जब आपके क्षेत्र में पहुंचे तो हमने देखा कि वहां जो जनता है वो आपके प्रति काफी वफादार दिखाई देती है और आपके कामों से काफी प्रभावित नजर आई है। तो ऐसे में आप पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद बताएं कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को पहले। मैं गोसाईगंज और पहली बार मैं चुनाव लड़ा हूँ नगर पंचायत का निर्दल के तौर पर और जनता ने मुझ पर विश्वास किया और मैं चुनाव जीता। और मैं पहला अध्यक्ष हूँ जी जो 365 दिन नगर पंचायत में बैठा हूँ। यहाँ तक कि रविवार को भी मैं कार्यालय खुलवा कर बैठता था और अपने नगर की आसपास क्षेत्र की सभी जनता की समस्याएं सुनता था, जिस वजह से पूरी हमारे नगर की समस्त जनता मुझे हाथों हाथ लेती है। और जितनी भी केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी जी, उनको मैंने घर घर पहुंचाया है और बगैर किसी भ्रष्टाचार के हर घर में जो है हर मतलब चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे विद्युत योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, जितनी भी योजनाएं सरकार हमें चला रही है वो मैं बराबर हर घर तक पहुँचाया है और एक रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है। मेरी जो पहचान है मेरी नगर पंचायत में, आप हर मेरे यहाँ 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड में आप सर्वे करिए, घर घर जाइए, मैंने 1500 आवास दिए हैं। 1500 में कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि एक रुपये भी उसका लगा है। मैंने बगैर भ्रष्टाचार के सारे आवास दिए हैं। 400 घरों में विद्युत कनेक्शन करवाए हैं जी। 300-400 लोगों को मैंने गैस कनेक्शन दिलवाए हैं जिनके यहाँ नहीं थे। इस तरह से तमाम लोगों को किसान सम्मान निधि से लाभ दिलाया है जी। सैकड़ों परिवारों को आयुष्मान कार्ड बनवाया है हजारों की संख्या में जी। और आप जान रहे हैं कि मैं पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष तो कोविड काल चला है, कोविड महामारी ने विकराल रूप रखा था, उसमें भी मैंने जो है हमारी केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार तो चिंता कर रही थी आमजन की, उसके बाद भी अगर जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको मैं अपने घर से राशन उपलब्ध कराता था, दवा उपलब्ध करवाता था, यहाँ तक कि दवा के पैसे भी स्वयं उपलब्ध करवाता था। और अगर कोई किसी भी तरह गरीब व्यक्ति आ गया, तमाम ऐसी समस्याएं मैंने देखी आमजन की कोविड में कि कोई किसी बच्चे को पीने का दूध नहीं है, पता चला व्यवसाय सब ठप है, घर से निकल नहीं सकते हैं, किसी क्या दिक्कत है, कोई बीमार पड़ा है, दवा नहीं है, तो उन लोगों की मैंने हर स्तर पे चिंता की है। और कोई भी दूसरा यहाँ का दूसरा कोई भी पार्टी का नेता, चाहे समाजवादी पार्टी पूर्व चेयरमैन रहे हो, कोई भी रहा हो, किसी ने उस समय जनता की चिंता नहीं की। तब आज अगर आप चुनाव के समय कहीं जाओगे, कुछ करो, बात करोगे या किसी तरह से प्रलोभन दोगे तो जनता आपके पक्ष में नहीं आने वाली है। जनता आज होशियार हो चुकी है, जनता देखती है कि पिछले 5 वर्ष हमारे दुख सुख में कौन खड़ा रहा है। मैंने जिस तरह से जनता की सेवा की मुझे पता नहीं हो सकता नहीं है। मैं दावा करता हूँ कोई भी जाए हमारे
प्रत्येक 10 वार्ड में बात करे, पूछे कि मैंने क्या किया है, आपके सामने आ जाएगा हकीकत क्या है। मेरी रणनीति कोई नहीं है, मैंने मेरी सबसे बड़ी रणनीति यह है कि मैं जितनी भी योजनाएं केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार से चल रही हैं निःशुल्क मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और हर व्यक्ति के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। रही विकास कार्य की बात, तो मैंने 2 दर्जन लगभग सीसी रोडें बनवाई हैं और जिस तरह बनवाई है वो भी हमारी जनता ने देखी है। मैं पहला चेयरमैन हूँ, मैं कह सकता हूँ शायद ही कोई चेयरमैन ऐसा हो, जब मेरी सीसी रोडें बन रही थी मैं उस रोड में खड़ा होकर यहाँ तक मैं 6 बजे जाता था, अगले दिन 12 बजे 1 बजे वहाँ से वापस आता था, पूरी रोड खड़ा खड़े रात भर बनवाता था, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे आपको। और मैं एक एक चीज पे नजर रखता था कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जितने भी काम मैंने किए भ्रष्टाचार मुक्त किए हैं, इसीलिए जनता की नजर में जनता के दिल में मेरी जगह है। आप मेरी कोई भी मीटिंग कोई भी जनसंपर्क देखिए, हजारों की संख्या में जनता मेरे साथ रहती है। जी निखिल जी, जिस तरीके से भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है, लेकिन 2017 के निकाय चुनाव में आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे, आपने जीत हासिल की, तो 2023 में भाजपा से जब आपको टिकट मिला तो फिर आपने मतलब जब भाजपा ज्वाइन की तो क्या मन ने क्या सोच करके आपने भाजपा ज्वाइन की, क्या भाजपा की नीतियों से प्रभावित थे, क्या भाजपा के कामकाज से प्रभावित थे? मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी के साथ राजनीति किया हूँ और जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। आज जो मैं सेवा कर रहा हूँ वो भी उन्हीं से सीखी है और कैसे क्या मुझे करना है मैंने उन्हीं से सीखी है, निष्पक्ष मुझे कार्य करना ये भी उन्हीं से सीखा है, राजनीति में जो कुछ भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। आज मेरे साथ सभी नेता है, जब मैं चुनाव 2017 में लड़ा तब मेरे साथ श्री ब्रजेश पाठक जी का सहयोग था, उन्होंने मेरी पूरी मदद की। उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया था भैया से कि टिकट नहीं हुआ चुनाव मैं ही जीतूंगा, जनता यहाँ अन्य को नहीं जितवाएगी किसी को। तो उसके बाद मैं तुरंत भाजपा में सम्मिलित हो गया और पूरा 5 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की हर योजनाओं को उनकी नीतियों को जन जन पहुंचाया है। कहीं ना कहीं मुझे जो टिकट दिया गया उसी का जो फल दिया गया है मुझे, उसी मेहनत को देख कर दिया गया है। और यहाँ तक तो आपने उसके पहले की भी तस्वीरें अपने वार्ड की देखी होंगी और 2017 के बाद जब आप आए तो आपने वहां विकास कराया तो उसकी भी तस्वीरें देखी होंगी, तो इस दौरान किन किन चुनौतियां का सामना आपको करना पड़ा या कौन कौन सी चुनौतियां आपके रास्ते में आई? देखिए मेरे सामने बहुत चुनौतियां थी, पूर्व में जो चेयरमैन रहे हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के उनके द्वारा किसी भी कार्य पर ध्यान नहीं दिया, कार्य हुए जो भी हुए लेकिन वो पूर्ण रूप से अच्छे से नहीं हुए। उनकी रोडें 1 वर्ष में टूट गई, सीसी रोडें 1 वर्ष नहीं चली, 6-6 महीने में सीसी रोड खत्म हो गई। इसलिए मैं एक एक जो भी जो विकास कार्य किए मैं नजर रखा उस पर और मैं स्वयं उपस्थित रहा। मैंने अपने समय में 2 दर्जन लगभग सीसी रोडें बनवाई हैं, नगर में लगभग 8 सार्वजनिक शौचालय बनवाए हैं जो निःशुल्क चल रहे हैं जनता में, उसके बाद 600-700 लोगों को सार्वजनिक शौचालय दिलवाए हैं, तमाम 300-400 लोगों को विद्युत कनेक्शन, 300-400 लोगों को गैस कनेक्शन, इस तरह से सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। यहाँ तक सबसे बड़ी बात, चलो योजनाओं का जो लाभ है वो तो मिलता है, लोग अपने हिसाब से देते रहते हैं, मैंने सबसे बड़ी जनता की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका नेता उनके पास सुलभ रहे, हर वक्त उपलब्ध रहे, जिससे किसी भी दुख मुसीबत में तुरंत खड़ा हो सके। मैंने वो किया है, मैं 10 बजे नगर पंचायत कार्यालय पहुंच जाता था और मैं बता रहा हूँ साल के 365 दिन यदि मेरी कोई पर्सनल दिक्कत जरूरत नहीं हुई तो मैं वहीं बैठता था और जब तक पब्लिक मुझसे मिलने आती थी मैं वहीं मिलता था, उनकी समस्याओं को हल करता था, पेंडिंग कुछ करता ही नहीं था, सारी समस्याएं त्वरित उनकी हल करता था। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, यहाँ तक हमारे नगर के जो व्यापारी हैं वो भी मुझे हाथों हाथ लेते हैं क्योंकि उनकी भी कोई समस्या रही है तो बगैर फोन के मैं पहुंच गया हूँ, मैं इतना वाच रखा हूँ कि व्यापारियों को भी कोई दिक्कत ना हो पाए, समस्या ना हो पाए किसी तरह की। ठीक है निखिल, तो मेरे साथ जब भी कोई एक नए क्षेत्र में कदम रखता है फिर चाहे वो राजनीति हो चाहे वो एक्टिंग का करियर हो तो कोई ना कोई उसका आदर्श जरूर होता है, तो जब आप राजनीति में आए तो आपने किस नेता को अपना आदर्श माना? देखिए मैंने पहले भी बता दिया है कि मेरे आदर्श उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, मैंने जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा है और उनको देखकर ही मैं जो करता हूँ अपने क्षेत्र में करता हूँ, जो भी मैं आज जिस तरह किया है मैंने कहा सब उनको देखा है उनसे सीखा है तभी मैं कर रहा हूँ। आज मेरे साथ माननीय कौशल किशोर जी का भी आशीर्वाद है, अमरेश रावत जी का भी आशीर्वाद है, लेकिन मैंने राजनीति में जो कुछ भी सीखा है उन्हीं से सीखा है।
आज तो मेरे पास सारे नेताओं का मार्गदर्शन है, सभी मेरा सहयोग करते हैं, लेकिन जब मैं स्टैंड किया हूँ, मुझे किसी जो राजनीति में लाए वो माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं। हर दुख सुख में वो खड़े रहे, यहाँ तक कि कोरोना काल में मेरी फैमिली के तमाम मेंबर कोविड पॉजिटिव हो गए, मैं यहाँ आमजन की सेवा करता रहा। मेरे भाई का परिवार, मेरी बहन का परिवार, मेरे तमाम रिश्तेदार पॉजिटिव हो गए। उस वक्त भी मेरे एक एक मैसेज पे माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो है मदद करते थे, बेड उपलब्ध कराते थे, दवाएं उपलब्ध कराते थे। मैंने ऐसा सुलभ नेता नहीं देखा है, इसलिए मैं उनके साथ आज भी राजनीति करता हूँ और मैं पार्टी के भी निष्ठा के साथ पूरी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। आप देखिए 71 वर्ष बाद मेरा विधायक जीता है, आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीता है। और आप मेरे वीडियो देख लीजिए सोशल मीडिया पे, मैंने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया है वो आपको दिख जाएगा। मैं 2 दिन में 20-20 मीटिंग, एक एक दिन में 10-10 मीटिंग किया है जी। 2 दिन में 20-20 ग्राम सभाओं के प्रधानों को सम्मिलित करवाया है भाजपा में, तब आज हमारा विधायक भी हमारे साथ में है। ठीक है निखिल जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपके विकास की वजह से ही आज जनता आपके साथ है, आज हर एक तबका आपके साथ है, लेकिन 2023 में और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 5 साल हर एक मुद्दे पर काम करने के लिए पूरा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ऐसा आपके वार्ड में होगा जो छूट गया होगा, तो इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे? देखिए मैं नहीं कह सकता कि पूर्ण रूप से मेरी नगर पंचायत में सभी कुछ हो चुका है जी। जो भी विकास कार्य बचे हुए हैं मैं उन्हें पूर्ण कराऊंगा, प्रयास करूंगा, बड़े नेताओं का सहयोग है मुझे, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कोई कार्य नहीं रुकेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जो भी कार्य हमारी नगर पंचायत में होगा, जो भी योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाएगा, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी योजनाएं चल रही है निष्पक्ष दिया जाएगा, किसी जात पात के बगैर दिया जाएगा और 1 रुपये भ्रष्टाचार के बगैर दिया जाएगा। और मैं हर वक्त 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहा हूँ, उसमें मुझे जनता को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आगे भविष्य में भी रहूंगा, क्योंकि जनता मुझे बहुत प्रेम स्नेह देती है। नगर का हर युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहने, यहाँ तक बच्चे, आप बच्चों में जाइए पूछिए कि तुम्हारे चेयरमैन कैसे, बच्चे आपको बताएंगे कि हमारे चेयरमैन कैसे हैं। मैंने हर व्यक्ति, हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी चिंता की है, सबको स्नेह दिया है, हर वक्त उनके दुख समस्या में खड़ा रहा हूँ। और मैं दावे से कह रहा हूँ पूरी जनता का विश्वास मेरे साथ है और भारी मतों से मैं चुनाव जीतूंगा। ठीक है निखिल जी, आपने कहा कि आपने हर एक वर्ग, हर एक तबके और हर एक समुदाय के लिए काम किया है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि अक्सर महिलाएं जो है वो काफी परेशान है और गर्मी आती है तो पानी की समस्या, गर्मी से में लाइट नहीं होना, तो ऐसे में आप महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक होती है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा सबसे बड़ा वोट बैंक हमारे नगर पंचायत की महिला वोटर ही हैं। ये भी जान लीजिए, आप सर्वे करवा लीजिए। मैंने जहां तक जल की आप बात की, मैंने प्रत्येक वार्ड में ठंडे पानी के वाटर कूलर लगवा रखे हैं। जो भी गरीब जनता है और खासकर चिन्हित करके जो गरीब जन, जहां पे गरीब आबादी, वहां पे सारे एरिया में ठंडे पानी की मशीनें लगी वाटर कूलर, पूरा 5 वर्ष उनका ध्यान रखा है, जनता ठंडा पानी पिए, हर तरह से मतलब मैंने चिंता किया है, तभी आज मैं इस तरह से मजबूत खड़ा हूँ। विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, विपक्ष के पास कहने को कुछ है ही नहीं, जनता की हर स्तर पे चिंता की है मैंने। आपने पानी की बात की, मैंने बताया ना 13 मशीनें मेरे 10 वार्ड हैं, जहां जहां चिन्हित करके, जिन वार्डों की जनता गरीब जन थे, जिनके यहाँ फ्रिज या कोई उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, वहां मैंने मशीनें भी लगवा रखी है, सब ठंडा पानी पीते हैं मेरे यहाँ। अच्छा निखिल जी, भाजपा सरकार द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था स्कूल चलो अभियान, और इसे हर एक एक प्रदेश के जनपद से लेके गांव तक से लेके हर एक जगह पर जोरों शोरों से चलाया जा रहा था, तो क्या आपके वार्ड में भी आप बच्चों को जो अच्छी शिक्षा है उसे देने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर 2023 के बाद जब आप चुनाव जीतेंगे, अगर जनता का समर्थन मिलता है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से बहुत भागते हैं? नहीं, मैं उस पर भी चिंता किया है पिछले भी समय में, आगे भी करता रहूंगा। और मेरे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय थे, मैंने दोनों प्राथमिक विद्यालय में जितना कर सका हूँ नगर पंचायत से उनको सुधार किया है, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, और भविष्य में मैंने कह रखा है सबसे पहले कार्य मैं अपने जो दोनों प्राथमिक विद्यालयों को सुधार करवाऊंगा और मॉडर्न स्कूल उनको बना के दूंगा, अपने जिले में सबसे अच्छा मॉडर्न स्कूल मैं बनवाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब जन के बच्चे होते हैं, संपन्न लोग तो कहीं भी अपने बच्चे पढ़ा सकते हैं, गरीब जन उन्हीं स्कूलों के भरोसे रहते हैं। उन्हें, मुझे गरीब जन को वैसे ही स्कूल देना है बना के जैसे बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, मैंने वादा किया है आम जन से। ठीक है निखिल जी, अभी आपने जिक्र किया कि आपने हर एक एक योजनाओं को अपने वार्ड के लोगों तक पहुंचाया है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो,
तो इन जो योजनाएं हैं उनसे आप कितने प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल प्रभावित हुआ हूं। आप समझिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, बारिश में सबसे बड़ी समस्या बारिश में होती थी, जिनके पास घर नहीं थे उनके बच्चे कैसे रात काट रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, बारिश हो रही है, कच्चे मकान है, तमाम दिक्कतें मैं देखता था। तमाम घर थे मेरे यहाँ, मतलब लगभग 1500 परिवार ऐसे थे जिनको मैंने चिन्हित किया, जिनके घर पक्के बनवाए गए। उनकी जो पीड़ा थी वो समझते या मैं देखता था, मैं समझता था। आज मेरे नगर में कोई भी कच्चा मकान नहीं है, सबको पक्के मकान मिल चुके हैं, उनमें लाइट कनेक्शन भी मिल चुके हैं, उनको गैस कनेक्शन भी मिल चुके हैं, उनको जल कनेक्शन भी मिल चुके हैं उनको। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोचा, केंद्र सरकार ने सोचा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा, मोदी जी ने, योगी जी ने सोचा, नहीं इससे पहले कांग्रेस सरकार 70 वर्षों तक नहीं कभी इस तरह से आम जन की बुनियादी सुविधाओं के विषय में सोचा। हमारी सरकार ने एक एक चीज पे गरीब जन के लिए सोचा है जी। मतलब हर चीज पे चिंता किया है, आवास दिया है, पीने को पानी दिया है, लाइट दिया है, क्या नहीं दिया। उसके बाद राशन कार्ड से आप समझिए महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, कोई गरीब भूखा रह ही नहीं सकता है। बिल्कुल, खाने की तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, निखिल जी, स्तर पे हमारी सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी सोच रहे हैं गरीब जन के लिए। ठीक है निखिल, जब से कुछ ही दिनों में पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल निखिल, जब से महज कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के बीच जाकर के लोगों का समर्थन मांग रहे होंगे, तो अब जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग अपनी किस तरीके से समस्याएं आपको बताते हैं या उनके हिसाब से अभी वार्ड में और क्या काम होना चाहिए? देखिए, हमारे नगर व्यक्तिगत समस्या किसी की नहीं, मैं वो त्वरित हल करता था। पिछले 5 वर्षों में लगातार 365 दिन वर्ष में बैठता था। जो विकास कार्य की समस्या है, मैंने बहुत विकास कार्य किया है, उनको मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं भविष्य में भी विकास कार्य करूंगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए हमारी नगर पंचायत में समस्याएं नहीं रहेंगी, सभी को भरोसा है मुझ पर। ठीक है निखिल जी, अभी आपने बताया कि जनता को बहुत भरोसा है आप पे और लगातार आप राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, यही वजह है कि आप अपने वार्ड का एक लोकप्रिय चेहरा भी रहे हैं, तो अपने राजनीतिक करियर पे जरा एक हमको एक नजर डलवाइए और बताइए अपने राजनीतिक करियर के बारे में। देखिए, मेरा राजनीतिक करियर, मैं पूर्व में कई चुनाव लड़वा चुका हूँ, आसपास क्षेत्रों में प्रधानों का चुनाव मैंने बहुत लड़वाया, कई बड़े चुनाव लड़वाए, और माननीय डिप्टी सीएम साहब को मैंने लखनऊ मध्य चुनाव में भी मैं एजेंट रहा हूँ, पूरा चुनाव में उनके साथ रहा हूँ, उनको चुनाव लड़वाया। अभी भी मैंने अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया, माननीय कौशल किशोर जी का चुनाव लड़वाया, और उससे कैंट चुनाव में भी मेरी ड्यूटी लगी थी कहीं पर हैदर कैनाल एरिया में, वहाँ पर मैं रहा हूँ, पूरा चुनाव वहाँ भी देखता था, यहाँ भी मेहनत करता था, इसीलिए राजनीतिक अनुभव मेरे पास है और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी नगर पंचायत में 10 वार्ड में भाजपा की मजबूत स्थिति है, और उससे बड़ी बात यह है कि आज हमारी जो पार्टी में तमाम नेता इधर उधर आपस में मतभेद थे, मेरे टिकट होने के बाद सारे नेता एक साथ हैं और यहाँ भाजपा बहुत मजबूत है, संगठित हो गई है। ठीक है, भाजपा तो संगठित हो गई है और निकाय चुनाव भी अब काफी नजदीक है, ऐसे में अब आप लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं कहीं भी किसी वार्ड में भी जा रहा हूँ, उनको पता है मैंने किस तरह से सेवा की है और आमजन पूरी तरह से मेरी सेवा से संतुष्ट है। मुझे कोई नई अपील, कोई प्रलोभन नहीं देना है, जनता जानती है कि हम हर वक्त उनके सुख दुख में खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। जहां तक विकास कार्य की बात है, मैंने जिस तरह से विकास कार्य निष्पक्ष किए हैं और बगैर भ्रष्टाचार के विकास कार्य किए हैं, रात रात में जगा हूँ, आमजन सोता रहा, मैं फिर भी रोड पर खड़ा होकर रोडें बनवाई हैं, तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी कार्य शैली ऐसी है कि जनता का 100% विश्वास मुझ पे है। बिल्कुल, धन्यवाद निखिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने वार्ड का हाल हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार प्राइम टीवी की टीम निकाय चुनाव को लेकर हर एक वार्ड में जा रही है और हर एक वार्ड की पड़ताल भी कर रही है। तो ऐसे में निखिल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे नगर संग्राम के इस खास कार्यक्रम में। नगर पंचायत गोसाईगंज लखनऊ से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा ने उन पर दाव लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं, जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं, वो लगातार
लोगों के बीच जा रहे हैं, तो वही हमारे साथ नगर संग्राम में निखिल मिश्रा लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2017 से लेकर 2023 तक उन्होंने जनता के लिए काम किया। जब जनता के लोग सोते थे तो बीच सड़क पर खड़े होकर रोडों का निर्माण करवाते थे, वो जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाते थे ताकि उनके वार्ड के लोग परेशान ना हो सके और ताकि उनके वार्ड के लोगों का विश्वास उनके साथ हमेशा बने रहे। यही वजह है कि निखिल मिश्रा लगातार जनता के बीच एक लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। नगर संग्राम के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।